गाजियाबाद के बाद खबर बरेली से है, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दूसरे धर्म के एक शख्स ने हिंदू बनकर एक लड़की, नाबालिग लड़की को हिमाचल प्रदेश में प्रेम के जाल में फंसाया और बरेली लाकर धर्मांतरण कराकर उसका नाजरीन नाम रख दिया। लड़की जौनपुर जिले की रहने वाली है। लड़की कैद से निकलकर भागी तो वीएचपी के नेताओं ने उसकी मदद की है। वीएचपी के नेताओं से इस लड़की ने मदद मांगी। अब देखिए, वीएचपी के नेता भगवान बनकर इस लड़की के सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। तेरह सात 2024 को थाना बिथरी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिथरी अंतर्गत उदयपुर जसरतपुर गांव में एक व्यक्ति जो है अन्य समुदाय की एक लड़की जो कि उम्र में नाबालिग है उसको लेकर आया है। जब इस घटनाक्रम की पूर्व पीड़िता के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना गया तो पता चला कि ये युवक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में कार्य करता था। वहीं पर लड़की का भाई काम करता था। वहीं पर इसने अपना नाम, उसको पहचान छिपाकर अमन बताया। जब लड़की गांव में आई तो उसको इसकी हकीकत के विषय में पता चला कि ये युवक अन्य समुदाय से बिलोंग करता है। इस पर तत्काल युवक को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। आगरा में आज से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होनी है। 1 अगस्त तक एकलव स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलने वाली अग्निवीर भर्ती में 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें, दोपहर 1 बजे से अभ्यर्थियों को स्टेडियम में एंट्री होनी है। 100 के समूह में अभ्यर्थियों की एंट्री की करवाई जाएगी। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़ होनी है। इसके साथ ही पारदर्शी स्कैनिंग व्यवस्था भी की गई है। उधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में नशे की हालत में गाड़ी में सवार लोगों ने टैक्सी ड्राइवर की पिटाई कर दी। आसपास के लोगों ने मारपीट की इस वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। टैक्सी ड्राइवर को पीटा गया है। टैक्सी ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप टैक्सी की हालत भी देखेंगे और टैक्सी ड्राइवर को जो बुरी तरह से पीटा गया है लोगों की तरफ से, उसमें वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट चुकी है। कई लोगों ने मिलकर पीटा है ड्राइवर को।